वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 2022 में जो एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे नीट का जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आ गया है। ठीक है कि भाई आपके एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट से शुरू है, इस डेट पे खत्म है, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया है। 2021 की बात करें तो 2021 में जब आपका इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन आया था कि भाई आपके इस तारीख से एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म नेट के लिए शुरू हो जाएंगे, तब उसके साथ साथ ही हमारा नोटिफिकेशन ये भी आया था कि अब की बार जो भी हमारे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हैं मतलब जो भी हमारा बीएससी नर्सिंग के कोर्स है ये इसमें पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। वहाँ पे 500 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन थे, सॉरी 5-6 यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन थे। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेट जो नर्सिंग है स्टेट बीएससी नर्सिंग है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें से आती है हमारी गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये चीज हमारी थी लास्ट ईयर। और वो मैंने जो नोटिफिकेशन आया था ना कि आपका जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की नीट के लिए इतनी है, इतनी से इतने तक फिल कर सकते हो, उसी के साथ साथ ही आया था, कोई अलग से नहीं आया था। अब की बार 2022 में क्या सीन है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और अब तक भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन वहाँ पे एनटीए की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है कि भाई आपका एमएनएस, एम्स, आरयूएचएस, एबीवीएमयू, केजीएमयू, पीजीआई या फिर कोई भी स्टेट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंसेस हैं वो नहीं होंगे। अब जो है इनके जो एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे होंगे, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ऐसा नोटिफिकेशन 100% आता अगर ऐसा हो रहा होता तो, ठीक है, बट अब तक नहीं आया। सो ये एक चीज थी इम्पोर्टेंट। एमएनएस वाले काफी सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि एक मेल जो है ना काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि आपका जो एमएनएस में सिलेक्शन है नेट के स्कोर के बेसिस पे होगा, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वो बस एक मेल है जो कि ऐसे ही चल रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी है। बट आप लोग क्या करो, उस मेल के अगर मान लो 1% भी वो सच है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनटीए भी बता देता, वैसे तो एनटीए इन्फॉर्म कर देता और ऑब्वियसली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे भी आ जाता, बट आया नहीं है। ठीक है, तो अब उस मेल का क्या करें, तो मेल का स्क्रीनशॉट ले लो, सबके पास वो स्क्रीनशॉट होगा, उस स्क्रीनशॉट को अटैच करके ज्वाइन इंडियन आर्मी के मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी को मेल करो, उसको अटैच कर दो उस मेल को, स्क्रीनशॉट ले लो उसका कि भाई ऐसी ऐसी सिनेरियो है कि हमारा अभी अप्रैल महीना चल रहा है, ठीक है, और हमने अब तक मतलब 2021 में हमारी जो भी मतलब तैयारी हमने शुरू की थी, हम ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने से एमएनएस के पैटर्न के ऊपर तैयारी कर रहे हैं और एकदम से ये मेल आ रहा है। हमने पहले पूछा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होंगे, उन्होंने बोला कि 1 महीना मार्च में रिलीज होंगे, अप्रैल में रिलीज होंगे, बट एकदम से ये नोटिफिकेशन आने का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ही पोलाइटली बात करिए, वहां पे जो भी बात है ना अपनी पूरी रखो एंड कोशिश करो कि एक बच्चे के घर में मतलब कम से कम 4 फोन तो यार होते ही है, मतलब 4 नहीं हो, कितने भी फोन हो तुम्हारे घर में, 4 फोन हो, 10 फोन हो, 12 फोन हो, जितने भी मतलब मेंबर हैं तुम्हारे घर के, इवन तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, चाचा ताऊ कोई भी है, उनका फोन ले लो। ठीक है, उनका फोन ले लो, या फिर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है जो कि मतलब कोई भी अदर स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है, नॉन मेडिकल से है, वो कर लो। ठीक है, उसका फोन लो, उसमें एक फोन में 2-3 ईमेल आईडी होंगी, ठीक है, 2-3 ईमेल आईडी होंगी ना, वहां से सबसे मेल कर दो, एक बच्चा ना 20 से 30 मेल करो। ठीक है, और डेफिनेटली ये वाला ना कॉपी मतलब कॉपी मारो पेस्ट करो और करो, कॉपी मारो पेस्ट करो और करो, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मतलब 15 से 20 हज़ार मेल उनको सिर्फ एक टॉपिक से मिलेंगे। देन डेफिनेटली अगर इस मेल को हम सच भी माने तो आपके जो एमएनएस के एग्जाम होगा वो इस बार तो अलग ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे उनके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नीट और एमएनएस का सिलेबस बहुत अलग अलग है एंड एमएनएस हम इसी वजह से ज्वाइन करते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो नीट में पीसी को नहीं कर पाते हैं, बायोलॉजी कर लेते हैं, बायोलॉजी पर होती है सबकी थोड़ी बहुत कमांड, और नहीं होती है तो वो प्रैक्टिस से हो जाती है, बट हाँ पीसी में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से टेंशन मत लो, अपना एमएनएस का ही कंटिन्यू रखो, कोई ऐसा तुम्हें पीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर तुमने वो पढ़ा ना तो भाई देखो नीट की पीसी कुछ ऐसी है
कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, 2-3 महीने का टाइम है, तुम नहीं कर पाओगे। तो मान लो अगर तुम्हारा एंड पॉइंट में चेंज भी आ रहा है कि भाई नहीं एमएनएस का ही एग्जाम होगा, तो कम से कम तुमने अब तक जो तुमने 7-8 महीने लगाकर तैयारी की है वो तो वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मान लो इस 2-3 महीने में सिर्फ तुम पीसी पढ़ रहे हो हायर लेवल की, तो उसका कोई बेनिफिट होना नहीं है। 15 से 20 हज़ार मेल उनको करो, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, एमएनएस का अलग ही पेपर होगा। और ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, एक मेल है, ठीक है, मतलब मुझे मैं क्या ही बोलूँ अब इसके बारे में। मेल के थ्रू हम मेल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट या तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे मिले या फिर एनटीए खुद हमें बताए, तो फिर हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है। बट फिर भी हम ये पहले ही एक स्टेप लेके चलेंगे कि हम इतने मेल उनको करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए। अच्छा, बाकी अदर जो एम्स बीएससी नर्सिंग है, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग है, एपीवीएमयू है, केजीएमयू है, पीजीआई है, इसमें हमारे रोहतक वाला आ गया, चंडीगढ़ वाला आ गया, लखनऊ वाला आ गया, सारे पीजीआई कंसिडर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग है, गोवा और महाराष्ट्र को छोड़ करके, वहां पर हर एक जगह आपका अलग ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर हमारा इकट्ठा होता, मतलब नीट के स्कोर के बेसिस पे होता, तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन एनटीए रिलीज कर चुकी होती, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम किया था उन्होंने, कि उन्होंने एक फॉर्मेट में बता दिया था कि भैया बीएचयू, डीयू, आईपीयू, चिकमर, ये जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनमें बेसिकली आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, ये उन्होंने वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया था। बट अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पैनिक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एमएनएस के बच्चों को थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहा है, क्योंकि उनका ये एक मेल ऐसे वायरल सा हो रहा है ना कि नीट की स्कोर के बेसिस पे होगा। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतने मेल करो, डेफिनेटली तुम्हारे पास ही रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारे हक में होगा, जो भी तुम्हारे फेवर में होगा। बाकी जो भी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भैया, अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म इन सभी एग्जाम्स के लिए आ जाएंगे। अभी आई थिंक एम्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन 2022 के लिए, ओके। एंड जून में, जून और जुलाई मोस्ट प्रोबेबली है आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी इनमें से एग्जाम दे रहे हो, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप कोई भी इनमें से एग्जाम दे रहे हो, लाइक आप एमएनएस दे रहे हो, एम्स दे रहे हो, आरएचएस दे रहे हो, एबीवीएमयू दे रहे हो, कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है या पैरामेडिकल का एग्जाम है, देन डेफिनेटली आप हमारा जो तैयारी है उसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यार ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं ना, वो पजल रहते हैं कि हमें ठीक बुक कौन सी है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली हमारे 2021 बैच में लास्ट ईयर 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 60 अराउंड उसमें एम्स के बच्चे हैं, आरयूएचएस के हमारे 12 अराउंड बच्चे हैं, केजीएमयू का हमारे सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एबीवीएमयू में हमारे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पीजीआई में भी काफी सारे बच्चे हैं, आई थिंक 6 से 7 हैं, ठीक है। और स्टेट बीएससी नर्सिंग ऑलमोस्ट बच्चों का क्लियर हुआ है जिसने भी दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार का, झारखंड का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, ठीक है, जितने भी आपके होते हैं ना, सब मतलब उसमें आया होगा। अच्छा, तो जरूरी है यार कोई भी मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम्हें एक बात और यहाँ पर डिस्कस करूंगी, 2021 का ही एक रिजल्ट है जहाँ पर आपके सिर्फ 9 सिलेक्शन हुए हैं, 4-5 कुछ एम्स में हैं, और उसके अलावा मतलब 2-3 सिलेक्शन आपके आरयूएचएस में हुए हैं। वहां पर वो लोग चार्ज करते हैं आपकी प्रिपरेशन का अराउंड 18,000, ठीक है, इतना चार्ज जस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एंड हमारे यहाँ पे जो कोर्स है वो इससे तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है, हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है ओब्वियसली। एंड नहीं भी कर रहा है तो आपको फ्री टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं हर संडे को, हर संडे को नहीं बोल सकते, बट हाँ जब मैं फ्री होती हूँ, मतलब कि मेरे को लगता है कि हाँ आप टेस्ट बना सकती हूँ, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं आपका फ्री टेस्ट डाल देती हूँ, ठीक है। जैसे इस संडे टेस्ट नहीं हुआ था, लास्ट संडे भी टेस्ट नहीं हुआ था, तो उस टाइम में मैं बिजी थी, इस वजह से नहीं हुआ। कोर्स में जो हमारे बच्चे हैं अभी, उनका 11 अप्रैल से मतलब हर दिन 11 अप्रैल से कल से एक टेस्ट, मतलब एक चैप्टर का एक टेस्ट हो रहा है तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि एक दिन में आप 3 टेस्ट दे रहे हो हर दिन, और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पूरे यूनिट पढ़नी है फिर टेस्ट है, आप एक चैप्टर एनालाइज करो कि आपका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं होता है तो फिर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और हो जाता है तो फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है।
तो ये चीज है। और बेसिकली यार जो भी तुम्हारा अदर डाउट एंड क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेजर डाउट एमएनएस के बच्चों का था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है। कोर्स की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा चीज और हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप कोर्स ले रहे हो ना तो इतनी अश्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि आपका जो कोर्स ना बहुत रिलेवेंट है। अगर आप कोर्स को 5-6 बार कर लोगे, मतलब जो जिसको सिलेक्शन चाहिए है वो 20-25 दिन में भी कोर्स में जो कंटेंट प्रोवाइड मैंने किया है उसको 2-3 बार आराम से कर लेगा 25 दिन में। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि हाँ हम अगर अभी से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको कोर्स की तरफ जाना चाहिए। आपको एम्स की बात करें तो एम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 60+ क्वेश्चन हमारे कोर्स से डायरेक्ट मिल जाएंगे और डायरेक्ट कोई भी कोचिंग आपको नहीं बोलती। राइट, एमएनएस की बात करें, एमएनएस में 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आपको सिर्फ 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि नहीं थोड़ा सा नहीं पढ़े हुए हैं, मे भी आपको उसमें थोड़ा डाउट हो, बट बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप सिर्फ टिक मार के आओगे। ठीक है, आप 100 से 120 नंबर का सिर्फ 30 मिनट में पेपर सोल्व कर लोगे। सो बेसिकली देखो यार बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। कोई भी तुम्हारा अगर डाउट एंड क्वेरी है मुझसे पूछ लो आकर के, कहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और एमएनएस वाले बच्चों का एक ओरल टेस्ट मैंने लिया था, ओरल टेस्ट की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी टेलीग्राम चैनल पे, फ्री है, उसको एक्सेस कर लेना अभी। मतलब तुम बताना उसमें तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है उसको सोल्व करके। ठीक है, फ्री है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करके उसको अटेम्प्ट करना। ओके।